press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. I hope you all are well. Welcome to online mathematics answer classes. आप सभी का mathematics answer classes में स्वागत है. Now we are going to discuss about exercise 4.5. 4.5 exercise के बारे में हम discuss करेंगे जो कि इस chapter के last exercise है. I hope आपने 4.4 तक सभी एक्सरसाइजें बहुत अच्छे से देखी हैं और समझी हैं, तो मैं आशा करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. तब तक आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना स्टार्ट करें. मैं इक्वेशन नोट डाउन करता हूँ. क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें हमने स्क्वेयर बनाना है जिसमें एक साइड दे रखी है और स्क्वेयर की सभी साइडें इक्वल होती हैं और सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं. तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, लाइन लेके चलते हैं. जो तो देखते हैं 5.1 लाइन जो हमारी है, 5.1 आपकी लाइन यहाँ तक आ जाएगी, यानी कि 5 से जस्ट वन स्टेप आगे. हम 5.1 तक एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे से लेकर यहाँ तक, और ये लाइन आपकी हो जाएगी 5.1. ओके, इसको हम दे देंगे आर ई. अब हम क्या करते हैं, तो स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ पे हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. इसको सेंटर मानकर एक आर्क लगा दो. ओके, अब देखो जितनी आर्क थी उतना ही ओपन रखो और इसको एक आर्क यहाँ पे, और फिर यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ पे और इन दोनों के बीच में. ये आर्क है ना 60-60 डिग्री की होती हैं. कितने कितने की? 60-60 डिग्री की. और एक आर्क हम यहाँ पे लगा देंगे और फिर इस पॉइंट से हम एक लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा. कितने डिग्री का आ जाएगा? 90 डिग्री का एंगल. अब हमने यहाँ पे भी 5.1 ओपन करके स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो एक लाइन यहाँ पे कट कर लेंगे. अब यहाँ पे भी हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है फर्स्ट, तो फर्स्ट हम यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. और एक आर्क यहाँ से, फिर एक आर्क हम यहाँ से लगाएंगे और एक आर्क यहाँ से, और इसको हम आगे बढ़ा देंगे. ओके, और फिर इन दोनों को देखो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 5.1 कर रखें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आर्क लगा देंगे और इन दोनों को फिर हम ज्वाइन करवा देंगे. अब ये हमारे पास देखो ई पे 90 डिग्री एंगल बनाया और यहाँ से हम एक दे देते हैं और यहाँ पे डी 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर. ये रिक्वायर्ड हमारा स्क्वायर बन जाएगा और इसके जो पॉइंट आएंगे कंस्ट्रक्शन के, डी आर हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे आर ई 5.1 सेंटीमीटर. एट पॉइंट ए पे कंस्ट्रक्ट कर देंगे 90 डिग्री एंगल और ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5.1 सेंटीमीटर. एट पॉइंट आर ड्रा एन आर्क ऑफ, देखो जैसे जैसे हमने किया है सेम वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे. जो जो हमने बनाया है बस वही हमने राइट डाउन करना है. ओके स्टूडेंट, आई होप यू कैन डू दैट और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया. रोम्बस बनाना जिसके डायगनल दे रखे हैं, डायगनल दे रखे हैं जैसे बी डी. बी डी को हम पहले क्या करते हैं, ड्रा कर लेते हैं 6.4. तो 6.4 पाई से जस्ट वन स्टेप बिफोर, तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक ड्रा कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं बी डी. फिर इसको बाइसेक्ट कर देंगे. बाइसेक्ट मतलब आधे से ज़्यादा आर्क आपने ओपन करनी है और एक आर्क आपने ड्रा कर देनी है. फिर इस साइड से सेम लेंथ में ही आपने आर्क रखनी है और एक इस साइड से आपने आर्क ड्रा कर देना. और अब इन दोनों को आपने ज्वाइन करवा देना.
नाउ एसी कितना चाहिए? 5.2। अब डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो 5.2 है तो 5.2 का हाफ कितना हो जाएगा? 5.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.6 आ जाएगा। 2.6 हम आर्क लेके बोथ साइड में क्या कर देते हैं, आर्क लगा देंगे, क्योंकि रोम्बस के क्या होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ से 2.6 के एक आर्क साइड में लगा देंगे और एक आर्क हम इस साइड। अब इन दोनों को ज्वाइन करवा देंगे। सिमिलरली यहां से हम इसको ज्वाइन करवा देंगे। और अब यहाँ पे रिक्वायर्ड हमारे पास ही, देखो ये बी डी आया था और ये हमें ए से मिल गया। आई होप यू अंडरस्टैंड रोम्बस को कैसे बनाना है। फर्स्ट ड्राई लाइन पी डी एंड बाइसेक्ट ऑफ डायगोनल बी डी एट ओ। नाउ टेक रेडियस 2.6 कट ऑन बोथ साइड। ये 2.6 पे हमने क्या किया, दोनों साइड में कट कर दिया और ये हमारा कितना हो जाएगा, 3.2 और 3.2। ओके स्टूडेंट, ट्राई योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाना सीखते हैं आज। रेक्टेंगल में दे रखी लेंथ ए बी 5 सेंटीमीटर, तो हम फर्स्ट ए बी 5 सेंटीमीटर लेके चलेंगे। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक अपने 5 सेंटीमीटर हो, ये आगे हमारी ए बी 5 सेंटीमीटर। अभी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाओ। यहाँ पे आर्क ये पहली आर्क 60 डिग्री की है, फिर कितना हो गया 120। अब दोनों को हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 30, और 30 प्लस 60 कितना हो जाता है 90। तो हमने क्या किया, पहले 60 डिग्री और एक 30 डिग्री को प्लस कर दिया और यहाँ पे हमने जो एंगल बनाया वो दोनों को मिक्स करके अब हमारे पास बना है एंगल 60 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। और 90 डिग्री पे एडजस्ट साइड कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लेकर 4 सेंटीमीटर के आर्क ओपन करके यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली हम यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। यहाँ पे से रख के एक 60, फिर यहाँ से रख के ये फिर हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक आर्क इस साइड से और एक आर्क हम इस साइड से लगा देंगे और दोनों को आगे बढ़ा देंगे। फिर हमने 4 सेंटीमीटर कट करना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर कट करेंगे और इसको आगे ज्वाइन करवा देंगे। ये आपका रेक्टेंगल आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपको समझ में आया ये ए बी सी डी, ए बी सी डी हमें कितना कितना मिल गया, ये 4 4 सेंटीमीटर होंगे और ये 5 5 सेंटीमीटर होंगे। कंस्ट्रक्शन स्टेप में ड्राई लाइन सेगमेंट ए बी, मेक एन या कंस्ट्रक्ट एंगल 90 डिग्री ऑन बी, टेक रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड कट ऑन पॉइंट सी। सिमिलरली कंस्ट्रक्ट एन 90 डिग्री एंगल ऑन ए, टेक रेडियस 4 सेंटीमीटर कट ऑन डी एंड आफ्टर दैट ज्वाइन डी टू सी। अब यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम बनाने के लिए देखिए हमारे पास, देखो पैरेललोग्राम, देखो रेक्टेंगल भी क्या एक पैरेललोग्राम ही होता है।
पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे एंगल मेंशन नहीं है, इक्वल एंगल मेंशन नहीं है, तो हम 90 डिग्री 90 डिग्री यानी कि रेक्ट एंगल वापस बना देंगे। इन दोनों साइडों से स्टूडेंट आपने रेक्ट एंगल बनाना है और उसको पैरेललोग्राम का नाम दे देना, क्योंकि पैरेललोग्राम में और रेक्ट एंगल में एक ही डिफरेंस होता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, डायगनल हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, मगर रेक्ट एंगल में डायगनल इक्वल होते हैं। सेकेंड वन डिफरेंस क्या है कि उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, किसके, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मगर रेक्ट एंगल के सभी एंगल इक्वल होते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।